चहुं ओर प्रशस्ति फैल गई, चहुं ओर इस घटना की सुवास फैल गई कि राजा ने अपनी कन्या श्री ठाकुर जी के स्वरूप को निवेदन कर दी, केवल उस रास लीला के भाव पर न्यौछावर होके राजा ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, केवल उस रास लीला के उस आनंद पर न्यौछावर होकर। चहुं ओर से संत लोग आने लगे राजा का दर्शन करने के लिए कि चलकर ऐसे भक्त भूप का, ऐसे भक्त राजा का दर्शन करके आना चाहिए जिसने जिसने आज जैसे समय में, जिसने इस घोर कली काल में भक्ति का ऐसा अद्भुत प्रण निर्वाह करके दिखा दिया। दूर दूर से संत लोग राजा का दर्शन करने के लिए आने लगे, सत्संग सतत मिलता रहा और आज हम जहां से चर्चा में प्रविष्ट हुए कि सत्संग करते रहने से, सत्संग जीवन में सतत प्रवाहमान रहने से भगवान मिले कि न मिले संसार अवश्य छूट जाता है। प्रभु के रूप गुण का अनुभव हो न हो, लेकिन संसार की निरस्ता और संसार की असारता का बोध अवश्यम भावी है सत्संग की कृपा से, सत्संग के अनुग्रह से। सतत संत लोग आते थे चारों दिशाओं से, राजा को सत्संग सहज हो गया। राजा ने तो केवल अपनी एक सांसारिक वस्तु, राजा ने तो केवल अपना एक सांसारिक संबंध भगवान को निवेदन किया और ऐसी प्रभु की बान है, आप अपनी प्रिय वस्तु प्रभु को देंगे, प्रभु अपनी प्रिय वस्तु आपको देंगे। राजा ने अपनी प्रिय कन्या प्रभु को निवेदन की और श्री ठाकुर जी ने चारों दिशाओं से अपने प्रिय संत राजा के दर्शन के लिए सुलभ करा दिए। राजा को अपने स्थान पर नित्य प्रतिदिन जाने कितने संतों का दर्शन सुलभ होने लगा। धीरे धीरे संसार की आसक्ति कम हुई, धीरे धीरे संसार की असारता का बोध हुआ। और एक बात मैं आपसे और भी निवेदन करना चाहूंगा कि कभी शीघ्रता मत करिए, इस मार्ग पर दौड़ने का प्रयास मत करिएगा। रे मन संभल संभल पग धरिए। संसार नीरस लगने लगा। राजा ने रानी से कहा कि कहा भये नृप हूं भये, ढोई जग बेगार। आज तक ये संसार की बेगार ढोई है, अब तो चलकर प्रभु का भजन करना चाहिए, अब तो कालिंदी के कुल श्री वृंदावन धाम का सेवन करना चाहिए, जहां गोवर्धन की रे नित प्रति मदन गोपाल लाल के चरण कमल चित लइए तरेटी गोवर्धन की रे। जहां घर घर तुलसी ठाकुर सेवा और भोजन दूध दही को, जहां चलत फिरत सुनियत रहो श्री राधा वल्लभ ला, ऐसे वृंदा विपिन में बसत रहो सबका। जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदा। अपने संग साधु सेवा के निमित्त अपार धन संपत्ति लेकर राजा और रानी दोनों श्री वृंदावन धाम पहुंचे। और जब श्री वृंदावन धाम पहुंचे, कुछ काल वृंदावन का सेवन किया, सर्वस्व लुटा दिया संतों की सेवा पर, जब लौट कर जाने लगे तो रानी के मन में एक बात आई कि मेरे मन में एक विचार है कि रानी थी, बहुत से आभूषण पहने थे कि मैं ये संसार लेकर तो आई, लेकिन यहां से संसार लेकर जाना शोभा नहीं देता। तो रानी ने अपने सब आभूषण उतार कर दे दिए, केवल एक एक सूती धोती दोनों ने लपेटी कि वापस जाने के लिए रानी ने अपने हाथ में दो कंगन रख लिए कि इन 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 कंगनों की सहायता से हम वापस पहुंच जाएंगे, लेकिन संसार को वृंदावन से लेकर नहीं जाना। जीव संसार से वृंदावन जाए, जीव भोग से योग की ओर जाए, जीव धन से धर्म की ओर जाए, ये शोभा देता है।
लेकिन प्रभु के धाम से आप संसार की वस्तु लेकर आ जाएं, ये शोभा नहीं देता, ये सुंदर नहीं है, ये स्वस्थ नहीं है। तो राजा मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए रानी के इस भाव पर कि केवल रानी ने दो कंकण अपने हाथ में रखे और बाकी सब संतों की सेवा में न्यौछावर कर दिया। संयोग से एक दिन राजा और रानी दोनों कहीं जा रहे थे और रास्ते में भक्तमाल के रचनाकार श्री नाभादास जी महाराज उनको मिल गए। बड़ी प्रसन्न हुई रानी और ऐसा कहते हैं कि संत के निकट कभी भी जाइए तो पत्र पुष्प जो हो संत को निवेदन करिए, जो आपके पास भाव और कुछ ना हो, पत्र पुष्प भी ना हो तो मैं ऐसा कहता हूं, पत्र पुष्प भी पास में ना हो तो 2 मिनट 5 मिनट उस संत के निमित्त हरि नाम का जप कर दीजिए, ये संत की सबसे बड़ी सेवा है। कुछ भी देने को ना हो संत के निमित्त थोड़ा जप कर दीजिए, संत के निमित्त थोड़ा हरि नाम कीर्तन कर दीजिए, ये सबसे बड़ी सेवा है। तो रानी ने मन में विचार किया, ऐसे ऐसे दिव्य ऐसे सुंदर संत का दर्शन हुआ है, क्या निवेदन करूं, हाथ में 2 कंगन थे जिनसे कुछ धन मिल जाता और यात्रा संभव हो जाती, वापस पहुंच जाते। पर जिस पर प्रभु की कृपा हो, जिसे प्रभु अंगीकार कर लें, जिसे प्रभु स्वीकार कर लें, और एक प्रभु का स्वभाव है कि प्रभु कभी भी आधा अधूरा स्वीकार नहीं करते, वो जब स्वीकार करेंगे पूर्ण रूपेण अंगीकार करेंगे। नेक सी भी कोई डोर संसार से क्यों बंधी रहे, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डो। संत का दर्शन करते ही रानी का मन इतना प्रफुल्लित हुआ, भूल गई कि कंकण क्यों रखे, कंगनों पर दृष्टि गई और वो कंगन उतारकर श्री नाभाजी महाराज के हाथ में पहना दिए। नाभाजी बड़े प्रसन्न हुए कंगन से नहीं, रानी के उस भाव से कि इस समय रानी के पास सर्वस्व के नाम पर केवल कंगन थे और रानी ने संत मिलन की प्रफुल्लता में, देखो सुख की परिभाषा सबके जीवन में बिलग बिलग है, किसी के लिए कोई वस्तु सुख है और किसी के लिए कोई वस्तु सुख का कारण है, लेकिन एक भक्त हृदय के लिए जिस पर भगवान का अनुग्रह हो उसके लिए संत के मिलने से बड़ा कोई उत्सव नहीं है, संत के मिलने से बड़ा कोई त्योहार नहीं है। जो सुख होत संत घर आए, सो सुख होत नहीं सुपने हूं कोटिक तीरथ नहाए, जो सुख होत संत घर आए। रानी के मिलन में कैसा उल्लास है, रानी के मिलन में संत मिलन का कैसा आनंद है, ये भाव देखकर नाभादास जी प्रसन्न हो गए। और जब संत प्रसन्न होता है तो प्रसाद स्वरूप केवल भक्ति मिलती है। हरि रीझे तुम मुक्ति दे, हरि जन हरि दे। और जो आपको प्रभु से अतिरिक्त कुछ और दे, कुछ और देने को तैयार हो जाए, उसकी साधुता में संशय है, उसका संतत्व अभी पूर्ण नहीं है। क्यों? क्योंकि संत आपको उस परमार्थ सत्व के अतिरिक्त और कभी नहीं देगा, कुछ नहीं देगा, किसी परिस्थिति में नहीं देगा। भक्ति सुदृढ़ रहे ऐसा आशीष पाकर राजा और रानी कर्ज लेकर अपने धाम वापस पहुंचे।